This may look like a morning routine video, but it's not. Good morning. So this is the exact same place where we filmed the Bonvita B-roll segment. Okay. So mere paas khali itna sa area tha, and this is where the magic happened. And this we're gonna do it again, and this time it's not gonna be a B-roll sequence, but it's just gonna be another vlog video. So here we go. Ever since I was a kid, Bonvita has been my favorite drink. मुझे Horlicks और Complan कभी इतना खास नहीं लगा. Complan पीता था, Complan पिया है मैंने. Height बढ़ाने के लिए. I don't know if that work. और coffee बहुत सही लगती है यार मुझे. Coffee बहुत सही लगती है, but चाय उतना ज़्यादा try नहीं किया हूँ. चाय उतना ज़्यादा try नहीं किया. Now please don't hate me for that. Okay? अरे क्या है ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ. देखो चाय के साथ मेरा रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहा अब तक. हाँ, क्योंकि एक बार क्या होता है, स्टोरी बताता हूँ. तो क्योंकि मुझे आदत नहीं है चाय पीने का, मैं घर में कभी नहीं पिया था. तो जब मैं कॉलेज गया तो मेरे पीजी के ऑपोजिट में एक चाय का दुकान है. हाँ, वहाँ सब चाय पीते, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ चाय पीते, फर्स्ट ईयर के, फोर्थ ईयर के, ग्रेजुएट, ड्रॉप आउट, सब पीते वहाँ चाय. तो एक बार क्या हुआ, गए उस दुकान में. हाँ, मतलब फॉर्चुनेटली उस दिन दुकान खाली था, एकदम खाली था. हाँ, खाली नहीं रहता है. तो उस दिन शायद मैं कॉलेज नहीं गया था या छुट्टी वैसा कुछ था, तो मेरे पीजी के दोस्त के साथ गया था, उसको चाय पीना था. और मैं सोचा कि ऐसे ही बैठे चलते या चाय पीते, तो क्या पीने. तब उन्होंने गर्म चाय दी. हाँ, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, मैंने लिया, डायरेक्ट पी लिया चाय. भाई साहब ऐसा जीप चला, चार दिन कोई खाने में मुझे टेस्ट नहीं मिला. और अगले दिन मेस में चिकन था, मुझे अच्छे से याद है. और मेस में चिकन होना है दोस्त, दूसरे स्टेट में आके मेस में अगर तुम्हें चिकन मिल जाए दोस्त, बहुत बड़ी बात होती है. हाँ, बहुत बड़ी बात होती है. तो चिकन का टेस्ट गया. तो इसलिए मेरा चाय के साथ अब तक रिलेशनशिप उतना खास नहीं रहा. देखते हैं बाद में क्या होता है, पता नहीं. क्योंकि मेरे घर में सब चाय पीते रहते, पूरा दिन चाय पीते रहते, सिर्फ मैं नहीं पीता हूँ. सो लेट्स सी. एंड बिफोर वी जंप इनटू टुडेज़ टॉपिक, मेन बात से हट गया मैं. तो बिफोर वी जंप इनटू टुडेज़ टॉपिक, मुझे थोड़ा सा काम है. थोड़ा सा काम है मुझे एडिटिंग का, तो मैं वो करके आता हूँ. हाँ, Bye.
Hello everybody, my name is Arijit Bhattacharjee, welcome to the channel. So the other day I was on a call with DC और ऐसे ही random कुछ कुछ बातें हो रहा था and बातों बातों में उसने मुझे यूट्यूबर बोला. हाँ जी. सो अब मुझे एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट याद नहीं है बट इतना याद है कि शी एड्रेस मी एज अ यूट्यूबर. ओके. एंड मुझे ना बहुत ही यूनिक सा फीलिंग आया. लाइक इट मेक्स मी हैप्पी बट इट ऑल्सो हर्ट्स मी एट लिटिल. ओके. आई डोंट नो वाई. ऑफकोर्स वील कम टू दिस लेटर. एंड देन सो आई आस्क्ड हर स्ट्रेट अवे कि हे why are you addressing me as a YouTuber? Because our channel has just 100 subscribers, okay? And you need some thousand subscribers to be a part of the YouTube Partner Program. And then you can be officially called as a YouTuber, okay? Big deal. And she said, no. For me, you are a YouTuber. You make YouTube videos, I like your content. For me, you are a YouTuber. I was like, okay, you're right in a way, okay? Ab ho gayi call, ho gayi baat hai. But I kept ruminating on that one thing, which was ki, yaar, अगर कोई मुझे यूट्यूबर बुला रहा है, इफ समवन इज एड्रेसिंग मी एज अ यूट्यूबर, इट शुड मेक मी हैप्पी, राइट? मुझे खुश होना चाहिए, राइट? बट मैं खुश क्यों नहीं हुआ? हाँ, सो दैट वाज अ बिग क्वेश्चन. दैट इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन व्हिच आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट एंड आई वांट यू टू जॉइन इन, लाइक आई ऑलवेज से. सो एंड आई फेल्ट दैट दिस थॉट वाज काइंड ऑफ गेटिंग हैवी ऑन मी एंड आई स्टार्टेड काइंड ऑफ बीटिंग माय सेल्फ अप. ओके, मतलब नॉट लिटरली ऑब्वियसली इन हियर. सो एंड आई फेल्ट दैट डायर नीड यू नो टू जस्ट you know, to just get out of my head, okay, and start taking action and start acting on my ideas. And then I came across an amazing quote on Instagram, which read, half of the people don't start because they're scared to be seen at the bottom. Half of the people don't start because they're scared to be seen at the bottom. And I got all my answers. The real reason why that thought troubled me was just because I was being insecure. I was being vulnerable. I have been wrong throughout. So, शायद इसी वजह से जब क्लास सिक्स में मुझे एक बार मौका मिला था स्टेज पे जाके अकेला गाने की सिंग करने की, तो मैं ऑडिशन में ही कर नहीं पाया, मैं गा ही नहीं पाया, ठीक है? बल्कि मैं हमेशा से चाहता था कि स्टेज में कभी अकेला जाके गाना है. मैं हमेशा से उसके बारे में ड्रीम करता था स्कूल में. हाँ, बट now I can do nothing about it. School life is gone. School life is over. All I can do about it is just regret. And I don't want to regret because regrets don't pay for the loss. So मेरे को ये realize हुआ कि ये मेरा insecurity, ये मेरा vulnerability है कि मैं नीचे नहीं देखना चाहता खुद को. हाँ, like मैं नहीं चाहता कि दूसरों बाकी लोग मुझे नीचे देखे. तो ये मेरी insecurity है और इसे मुझे तोड़ना पड़ेगा. हाँ, और अगर तुम भी कुछ शुरू कर रहे हो तो तुम्हें भी इसे तोड़ना पड़ेगा. बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट एट द बॉटम. तुम ऊपर से कहाँ जाओगे? तुम नीचे से ही शुरुआत करोगे ना. तो वही है. एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, लेट मी टेल यू वन थिंग कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ट्राइंग टू कन्विंस पीपल टू लाइक यू एंड योर प्रोडक्ट, यू ट्राई टू हेल्प देम. ओके, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प, यू ट्राई टू हेल्प देम. यू ट्राई टू कंट्रीब्यूट इंस्टेड ऑफ कन्विंस. ओके, बिकॉज जब आप दूसरों का हेल्प करते हो ना, और बिना एक्सपेक्टेशन के करो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम उसका हेल्प करते हो तो वो भी अगला बंदा भी तुम्हारा हेल्प करे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? बट तुम जब हेल्प करते हो, ठीक है, मतलब तुम ऐसा सेल्फिश नहीं हो सकते. इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी. लाइक मेरा रूम देखो, मैं अकेला है रूम में, मैं अकेला हूँ, कुछ नहीं है सामने, बस ये कैमरा है, फ़ोन है, मैं बात कर रहा हूँ. तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो इट्स अ लोनली जॉब, बट आई डू इट विद द इंटेंशन कि स्क्रीन के उस पार ऑन द अदर एंड ऑफ द स्क्रीन एक मेरा दोस्त बैठा है. हाँ, जो मेरे ही एज ग्रुप का है, 3-4 साल बड़ा होगा या छोटा होगा, वैसा कुछ है, और मुझे उससे बात करनी है. ऑफकोर्स इट्स वन साइड है, दैट्स व्हाई आई सेड इट्स लोनली. बट यही है कि मैं कुछ करूँ कि उसके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हो, उसके लाइफ में कुछ हेल्प हो. हाँ, तो अगर आप दूसरों का हेल्प करते हो तो अच्छा है, मतलब लॉन्ग रन में शायद ये आपको हेल्प करेगी. एंड दैट इज अमेजिंग. लाइक आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम बींग मिस्टर राइट I'm shifting from being Mr. Right to being Mr. Real, okay? And that shift, that transformation, that process is amazing, friend. ठीक है? तो ये जो ब्लैक टी शर्ट वाला अरिजीत है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ना, इनसिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी एंड वॉट नॉट. तो मुझसे बात करो, आई एम वे बेटर देन यू. And I feel that people who you know have already made it should have the humility कि वो दुनिया के साथ अपने गलतियों के बारे में बात कर सके, दुनिया के सामने अपने गलतियाँ शेयर कर सके. ऑफकोर्स प्रोफेशनल लाइफ की गलतियाँ, पर्सनल लाइफ की गलतियों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ. तो स्पेशली जो डिजिटल वर्ल्ड के लोग हैं जिनके पास वो रीच है कि वो अपने बात को एक बड़ा ऑडियंस के पास पहुँचा सके, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, 90% ऑफ देम जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग शेयर करते हैं अपनी गलतियाँ अपने ऑडियंस के साथ, हाँ, लोगों के साथ. बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आर
number-wise massively successful, number-wise massively successful, but all they have to say, all they got to say is just मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये क्लास 9 से कर रहा हूँ, मैंने हसल किया है. ऑफ कोर्स ब्रो, तुमने हसल किया है तभी शायद तुम हो जहाँ तुम हो, बट तुमने कुछ गलतियाँ भी तो किया होगा ना, तो वो क्यों नहीं शेयर करते हो वो? क्योंकि जो क्लास 9 का बच्चा है, अभी जो क्लास 9 का बच्चा है, जो तुमसे इंस्पायर्ड हो रहा है, जो अपने मन में तुम्हारा एक डिवाइन फिगर बना रखा है, हाँ, तो जो वो कोई गलती करे, वो क्लास 9 का बच्चा कोई गलती करे, उसको अपने गलतियों का सीवियरिटी पता चले, ना कि उसको ऐसा लगे कि यार मेरा ये जो आइडल है इसने शायद अपने लाइफ में सब सही किया होगा तभी शायद वो है जहाँ वो है और मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, देन आई थिंक इट्स नॉट मेंट फॉर मी, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस. वो नहीं होना चाहिए ना. तो इसलिए अगर आप कोई बिग शॉट क्रिएटर हो तो प्लीज़ टॉक अबाउट योर द मिस्टेक्स यू मेड इन योर जर्नी विथ योर ऑडियंस, ओके? एंड अगर आप ऑलरेडी करते हो देन यू आर अ वंडरफुल पर्सन. सो आज इतना ही है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड ऑल द गुड स्टफ अगर मन करे तो. एंड take care of your family and the people around you, because that's the need of the hour. And so get vaccinated as soon as possible. Wait kar us log mila nahi abhi tak. Bas, thank you.